हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, पर हाइब्रिडाइजेशन का हम लोगों ने वही केस डिस्कस किया था जिसमें सेंट्रल एटम में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड थे, लोन पेयर नहीं था। हमने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग उन कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो उस कंपाउंड का शेप रेगुलर नहीं होता है, उस कंपाउंड का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब उस कंपाउंड का शेप डिस्टॉर्टेड कैसे होता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे। इफ सेंट्रल एटम ऑफ द कंपाउंड डज नॉट कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड का शेप रेगुलर होगा, बट अगर सेंट्रल एटम ऑफ द कंपाउंड कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो उस कंपाउंड का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जैसे मैं शुरू करता हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, जरा ध्यान से देखिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कई केस हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हो, लोन पेयर 0 हो, 4 4 का मतलब sp3 और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, और ये कंपाउंड रेगुलर हो गया। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था CH4, HCO4, ये सब। पर अगर सिग्मा बॉन्ड 3 हो और एक लोन पेयर हो 3+1=4, तो इस कंपाउंड का जो शेप होता है वो पिरामिडल हो जाता है। नाउ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिकम पिरामिडल। ठीक है, जैसे कि NH3, HCO3, ये सब हो गया। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 हो, लोन पेयर 2 हो, तो 2+2=4, 4 का मतलब sp3, बट यहाँ पर कंपाउंड का जो शेप होता है वो बेंड शेप हो गया या वी शेप हो गया, या इसी को एंगुलर भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एंगुलर शेप। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल H2O या Cl2O। ठीक है, और अगर सिग्मा बॉन्ड 1 हो, लोन पेयर 3 हो, 1+3=4, तो वो भी sp3 हो जाएगा, और sp3 हो गया तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए बट कंपाउंड का शेप डिस्टॉर्टेड हो गया, तो अब इस कंपाउंड का शेप लीनियर हो जाता है, जैसे कि HF। ठीक, अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। नाउ इफ सेंट्रल एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, इफ सेंट्रल एटम डज नॉट कंटेन लोन पेयर तो उस कंपाउंड का शेप रेगुलर होता है। उस कंपाउंड का शेप क्या होता है? रेगुलर, यानी टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड का जो शेप हो जाता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड। और डिस्टॉर्शन की वजह से कंपाउंड के बॉन्ड एंगल में ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से वेरिएशन आने लगता है। अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि हाउ द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल टेक प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। ठीक है, चलिए उसको अभी सब लोग हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला केस तो आपको मालूम ही है, दिस वन। जैसे मैं HCO4 फिर से बता देता हूँ। HCO4 ज़ेनान इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़ेनान एक ऐसा इनर्ट गैस है जो कि बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, चारों ऑक्सीजन 4 डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, 4 4 का मतलब sp3 और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर कहीं भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ज़ेनान से 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल शेप में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, या ऑक्सीजन ऐसे, और सभी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आप सब पर डबल बॉन्ड भी बना दीजिए, ऐसे सभी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो एक एक पाई बॉन्ड भी हमने ऐसे लगा दिया, दिस इज HCO4 लाइक दिस। ठीक, नाउ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज रेगुलर, देर इज नो डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में सारे बॉन्ड सेम टाइप के हैं, या तो सब सिंगल हैं या तो सब डबल हैं, तो उस कंपाउंड के बॉन्ड एंगल में कोई वेरिएशन नहीं होगा और वो रेगुलर शेप होगा। अब जैसे मैं अमोनिया एग्जाम्पल ले लूँ, अमोनिया, सपोज आई एम टेकिंग अमोनिया एज एग्जाम्पल लाइक दिस। तो अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, 3+1=4, 4 का मतलब sp3, और sp3 का मतलब हमें और आपको तो टेट्राहेड्रल ही पता है, तो हम तो ऐसे टेट्राहेड्रल बना दिए, ऐसे तीन पोजीशन पर तो हाइड्रोजन आ गया ऐसे,
और एक पोजीशन पर लोन पेयर आ गया ऐसे। अब लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप हो गया वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है लाइक दिस। नाउ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिकम डिस्टॉर्टेड। और इस कंपाउंड का आप शेप देखिए, इस कंपाउंड का शेप आप देखिए, पिरामिडल आपको दिख रहा होगा। नाउ द शेप इज पिरामिडल, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिकम डिस्टॉर्टेड। अब आप देखिए यहाँ टेट्राहेड्रल से पिरामिडल हो गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल XeO3 का ले लूँ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ XeO3। ऐसे ज़ेनॉन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, 3+1=4, 4 का मतलब sp3। हमें और आपको तो sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल पता होता है, तो हम टेट्राहेड्रल ऐसे बना देंगे। पर एक पर लोन पेयर आ गया, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन पर 3 डबल बॉन्ड, ऐसे हमने इसको वैसे बना दिया। दिस इज XeO3, ये ऐसे हो गया। अब ये जो लोन पेयर आता है ना, ये जो लोन पेयर, ये यहाँ पर, ये जो लोन पेयर, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल में भी वेरिएशन आता है। बॉन्ड एंगल में वेरिएशन कैसे आता है, कितना आता है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि हाउ वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल टेक प्लेस। पहले मैं सारे डिस्टॉर्शन के केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है। नाउ अब जैसे मैंने H2O का केस ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग केस ऑफ H2O, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 2, 2+2=4, 4 का मतलब sp3। अभी ऑक्सीजन में से हो गए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब आप देखिए इसका शेप जो हो गया वो ऐसे हो गया। नाउ इसका जो शेप हो गया वो बेंट हो गया, या वी शेप हो गया, या एंगुलर हो गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया। आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, पर शेप इसका अलग हो गया, इसका शेप अब जो है वो बेंट शेप हो गया या वी शेप हो गया। ऐसे में HCl को ले लूँ, सपोज आई एम HCl, सेंट्रल एटम Cl, Cl के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 1, लोन पेयर 3, 1+3=4, 4 का मतलब sp3, ये Cl, हम ऐसे टेट्राहेड्रल से बना दें। एक पर हाइड्रोजन आ गया, 3 पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ClNH, Cl पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इस कंपाउंड का जो शेप हो गया आप देखिए, लीनियर शेप हो गया। नाउ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। तो आपने कहा दिस इज हाउ द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल टेक प्लेस। इस तरीके से कंपाउंड के बॉन्ड एंगल में और शेप में वेरिएशन टेक होता है। बॉन्ड एंगल में वेरिएशन कैसे होता है, चलिए उसको भी देखते हैं। हम उसको भी बताएंगे कि हाउ वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल टेक प्लेस ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, उससे कम या ज्यादा होगा। यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 109 डिग्री होना चाहिए, पर बॉन्ड एंगल यहाँ 107 डिग्री ही होता है। ऐसा क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या VSEPR थ्योरी। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि VSEPR थ्योरी क्या होती है। नाउ मूविंग टूवर्ड VSEPR थ्योरी, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, VSEPR। अब VSEPR क्या है, चलिए उसको भी समझते हैं। VSEPR थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि किसी भी कंपाउंड का जो एक पर्टिकुलर शेप होता है वो शेप इसलिए होता है क्योंकि उस शेप में उसके सभी बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सन मिनिमम होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि सपोज BeCl2 है, तो BeCl2 इज लीनियर, ऐसे आपको मालूम है BeCl2 इज लीनियर, ऐसे। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन,
यहां भी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में, दोनों के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम से कम हो, मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन, दोनों के बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम से कम हो, इसीलिए दोनों 180 डिग्री पर रहते हैं। एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो द पर्टिकुलर शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द मिनिमम रिपल्सन बिटवीन ऑल द बॉन्ड पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। अब दो ही बॉन्ड पेयर हैं तो दोनों बॉन्ड पेयर अगर 180 डिग्री पर हों तो उनमें रिपल्सन कम से कम होगा, और दोनों 180 डिग्री पर होंगे तो कंपाउंड का शेप लीनियर हो जाएगा। अब जैसे BCl3, अब BCl3 में भाई तीन बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर हैं तो तीनों 180 पे तो हो नहीं सकते, तो रिपल्सन कम से कम हो, इसलिए तीनों Cl या तीनों जो बॉन्ड पेयर हैं उनमें रिपल्सन कम से कम हो, इसलिए तीनों 120 डिग्री पर अरेंज होते हैं। ये तीनों कितने डिग्री पर अरेंज होते हैं? 120 डिग्री पर। बात समझ में आ गई सब लोगों को? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ VSEPR थ्योरी। द पर्टिकुलर शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द मिनिमम रिपल्सन अमंग ऑल बॉन्ड पेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आ गया सब लोगों को? नाउ सेकेंड पॉइंट, VSEPR थ्योरी का सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट उसको भी बहुत ध्यान से समझिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, सपोज करो कि अमोनिया है, दिस इज ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप देखिए सिर्फ एक ही एटम से या एक ही न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए सिर्फ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कमी होती है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस से जुड़ा है, ये देखिए ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, नाइट्रोजन से भी जुड़ा है, तो नाइट्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन भी खींच रहा है, तो बॉन्ड पेयर इलांगेटेड होता है, खींचा हुआ होता है, जबकि लोन पेयर में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स अप मोर स्पेस, टेक्स अप मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड ज्यादा स्पेस लेता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कमी होती है। बॉन्ड पेयर क्या होता है? दो न्यूक्लियस से खींचा हुआ होता है, तो बॉन्ड पेयर में जब खींचा होगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया तो उसका स्पेस में भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो लोन पेयर का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो लोन पेयर जब अपने साइज बढ़ा देगा तो बाकी सबको अपना बॉन्ड एंगल क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सब लोगों को? इसीलिए लोन पेयर का स्पेस में वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब वॉल्यूम जिसका बढ़ गया वो ज्यादा रिपल्सन करेगा कि कम करेगा? तो आप कहेंगे भाई वो ज्यादा रिपल्सन करेगा, एक मोटा आदमी है तो उसका स्पेस में ज्यादा वॉल्यूम होगा। अब कार की जो बैक वाली सीट है उस पर तीन पतले लोग बैठाइए, तीन लोग आराम से बैठेंगे, दो मोटे एक पतले बैठा दीजिए, समझ गए ना? तो उसी वॉल्यूम में तीनों लोगों को बैठना है, तो अब रिपल्सन होगा, कोई ज्यादा स्पेस लेगा कोई कम स्पेस लेगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो बाकी सबको अपना क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो लोन पेयर का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बाकी सबका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। सीधी सी बात यही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में दो लोन पेयर हैं तो लोन पेयर रिपल्सन जो होगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होगा, और वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ही कम होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ठीक उसी तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रिपल्सन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन एंड इट इज लेस देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। ठीक है, अभी मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। तीन एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने एक मीथेन ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग मीथेन CH4 ऐसे। एक हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया में N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। वाटर हमने ले लिया, वाटर में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऐसे। सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज है,
आल आर एस पी थ्री हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल ये ऐसे है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। नाउ दिस इज, यहां पर देखिए, यहां पर बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, यहां पर जो बॉन्ड एंगल है ये घट के 107 डिग्री आ जाता है, और यहां पर ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। पूछा जाए भाई ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से उसको देखते हैं। यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। नाउ दिस कंटेन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये देखिए, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, और यहां पर जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन है। सॉरी 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 सॉरी, नॉट बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। नाउ दिस इज द लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, नॉट लोन पेयर बॉन्ड पेयर, नॉट बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर रिपल्सन। अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब यहां दो लोन पेयर हैं, दोनों का स्पेस में वॉल्यूम ज्यादा हो गया। दोनों का स्पेस में वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो जब दोनों का स्पेस में वॉल्यूम ज्यादा है तो दोनों ऐसे दूर जाएंगे। दोनों जब दूर जाएंगे तो नीचे का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 109 से घट के 104 डिग्री हो गए। और यहां पर रिपल्सन बहुत ही कम है, यहां पर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यहां पर क्या है, एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर का स्पेस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, तो 109 से घट के 107 डिग्री आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल टेक प्लेस, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर का स्पेस में वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आप जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे, अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर है और सारे सिंगल बॉन्ड है या सारे डबल बॉन्ड है, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है या सारे डबल बॉन्ड है, तो सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे XeO4 है, ये टेट्राहेड्रल है, इसमें सब डबल बॉन्ड है और इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा क्योंकि सबका रिपल्सन भी सेम है। यहां पर अगर एक्स है और यहां पर ये वाई है तो एक्स और वाई सेम होगा। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में कुछ सिंगल बॉन्ड है, कुछ डबल बॉन्ड है, शेप रेगुलर है, तो बॉन्ड एंगल में वेरिएशंस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया SO2Cl2, SO2Cl2 इज दिस वन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस बॉन्ड एंगल को हम एक्स एज्यूम कर लें, एक्स, इसको हम वाई एज्यूम कर लें और इसको हम जेड एज्यूम कर लें, और आपसे बोला जाए कि एक्स वाई जेड में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका कम है, तो ये बॉन्ड एंगल को हमने ऐसे लिख दिया, तो पाया गया कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड। हालांकि अब आप कहेंगे कंपाउंड का शेप तो रेगुलर है, रेगुलर होने पर बॉन्ड एंगल तभी सेम होगा जब सारे बॉन्ड सेम टाइप के होंगे, या तो सब सिंगल हो या तो सब क्या हो, डबल। अब आप देखिए, कुछ सिंगल हैं, कुछ डबल बॉन्ड हैं, तो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, डबल बॉन्ड रिपल्सन ग्रेटर है, यहां पर आप देखिए, देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये दोनों दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और यहां पर रिपल्सन कम है, ये उतने दूर नहीं जाएंगे तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा रिलेटिवली। यहां पर भी रिपल्सन होगा पर थोड़ा कम रिपल्सन होगा। समझ में आ गया सब लोग को, इसलिए एक्स देन वाई देन जेड। अब चलिए एक कंपाउंड को और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है SO2Cl2, सपोज करें दिस इज SO2Cl2, एक मॉलिक्यूल है POCl3, सपोज करो एक मॉलिक्यूल है POCl3, और एक मॉलिक्यूल है सपोज करो SiCl4, SiCl4। अब आपको इसमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन जो बॉन्ड में बता रहा हूं उसमें करना है। सपोज ये बॉन्ड एंगल ए है, ये बॉन्ड एंगल बी है और ये बॉन्ड एंगल सी है। अब आपको बताना है कि ए बी सी में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका कम है, तो आप देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन में डबल बॉन्ड रिपल्सन होगा, यहाँ रिपल्सन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच रिपल्सन होगा। तो आप देखिए जो बॉन्ड एंगल का वेरिएशन है सबसे ज्यादा ए होगा, देन बी होगा, देन क्या होगा, सी हो जाएगा। दिस इज द वेरिएशन ऑन बॉन्ड एंगल, इज इट क्लियर। इसी तरह से अगर मैं फॉर्मल डिहाइड ले लूँ, फॉर्मल डिहाइड इज दिस वन, फॉर्मल डिहाइड इज दिस वन,
तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री होना चाहिए? 120। बट पाया गया कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 122 डिग्री होता है। दिस इज 122 डिग्री, दिस इज 122 डिग्री एंड दिस इज 116 डिग्री। अब आप उसका रीजन समझ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है, ये ऐसे। उसका रीजन एकदम साफ है कि यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ रिपल्सन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो सब बॉन्ड एंगल सेम होते, बट डबल बॉन्ड आने से रिपल्सन होने लगा, तो बॉन्ड एंगल 120 से बढ़ के 122 डिग्री हो गया। आई थिंक अब आपको VSEPR थ्योरी की हेल्प से बॉन्ड एंगल में वेरिएशन कैसे होता है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो उसका कॉन्सेप्ट एकदम सीधा है कि भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट होता है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कमी होती है, तो उसका स्पेस में वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जब लोन पेयर का स्पेस में वॉल्यूम बढ़ गया तो बाकी सबको अपना एडजस्ट करना है, तो बाकी सबका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। एंड दिस इज हाउ डिस्टॉर्सन इन टेक प्लेस इन वेरियस sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स में बढ़ते हैं। अब अगर इसी तरह से मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का केस लूँ, sp2। अब sp2 में भी देखिए, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, 3 प्लस 0 3, 3 का मतलब sp2 सेफ ट्राइगोनल प्लेनर रेगुलर हो गया। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर SO3 होता है, BF3 होता है, ये आपको उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 1 है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, sp2 हो गया। बट इसका सेप वी सेप या बेंट सेप, या इसमें भी देखिए बेंट हो गया या एंगुलर हो गया, इसको मैं एंगुलर भी लिख सकता हूं, एंगुलर सेप, जैसे SO2। तो SO3 तो आपको मालूम है, नाउ हम आपको SO2 बताते हैं। SO2 सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड। अब आप देखिए सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 का मतलब sp2। हम और आप sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर जानते हैं, तो मैंने तो ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया, सल्फर पर 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसे, हो गया। अब आप देखिए ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और सल्फर पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर की वजह से कंपाउंड का शेप डिस्टॉर्टेड हो गया, और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल में भी वेरिएशन आने लगेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। अब sp2 में ये दो केस होते हैं, आपको बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई बॉन्ड एंगल में वेरिएशन के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, चलिए भाई उसको भी ध्यान से सकते देखते हैं। नाउ इफ केस नंबर 1, बॉन्ड एंगल में वेरिएशन का। नाउ इफ सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन, इफ सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप आर सेम, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस एज साइज ऑफ अटैच्ड एटम इंक्रीजेस, साइज ऑफ अटैच्ड एटम इंक्रीजेस। अगर सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन और शेप समान है, तो अटैच्ड एटम की साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए सब लोग। जैसे मैं आपसे बोलूं कि दिस इज NF3, NCl3, NBr3 और Ni3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, कम होगा? सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सबके सब पिरामिडल। अब आपसे बोला जाए भाई किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, ये आप बताएं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए आप सब लोग, ये NF3 है,
एन से तीन फ्लोरीन ऐसे जुड़े हुए, और ये Ni3, दिस इज Ni3 नॉट F, दिस इज आयोडीन। ठीक, अब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। अब रीजन एकदम क्लियर है भाई, आयोडीन की साइज बड़ी है तो सारे आयोडीन एटम्स में, आयोडीन की साइज बड़ी है तो सारे आयोडीन एटम में आपस में रिपल्सन होगा, क्योंकि बड़ी साइज है, इनमें आपस में ऐसे रिपल्सन होने लगा ऐसे। अब रिपल्सन होने लगेगा ऐसे तो दो सब एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर हाइब्रिडाइजेशन समान है, शेप समान है, अटैच एटम समान है, ठीक है, तो अटैच एटम की साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे ही मैं अगर आपसे ये बोलूँ, एक तो केस ये हो गया, उसी तरह मैं अगर आपसे बोलूँ दिस इज OF2, OCl2, OBr2 और OI2, मैं किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसका कम, तो सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज, सबके सब वी शेप। अब OI2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, दिस इज OF2 एंड दिस इज OI2। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि SOF2, SOCl2, SOBr2 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा कम, सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक, सबके सब पिरामिडल। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसका होगा। नाउ दिस इज SOF2। अब आप ऐसे कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गया सब लोगों को? क्या ये सबको समझ में आ गया? तो आपका आंसर होगा हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये एक केस था। अब अगर मैं यहां पर बी केस ले लूं जिसमें सेंट्रल एटम अलग अलग हो लेकिन बाकी सब सेम, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो लेकिन हाइब्रिडाइजेशन शेप सब समान हो, तो बॉन्ड एंगल में वेरिएशन कैसे होता है, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ केस नंबर बी, इफ हाइब्रिडाइजेशन अटैच्ड एटम एंड शेप आर सेम, एंड शेप आर सेम, देन बॉन्ड एंगल, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। ठीक है, अब इस केस को जरा ध्यान से, अगर हाइब्रिडाइजेशन समान हो, अटैच्ड एटम समान हो, शेप समान हो, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं कि भाई कैसे ऐसे हो गया। अब सपोज मैं आपको देता हूं कि NH3, PH3, ASH3 और SBS3 में बॉन्ड एंगल का वेरिएशन बताइए। ठीक है, सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज, सबके सब पिरामिडल। अब किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, चलिए उसको देखते हैं। NH3 में पाया गया कि बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, बट यहां पर पाया गया कि ये 94 डिग्री, ये 93 डिग्री, ये 92 डिग्री, ग्रेजुअली कम होता गया। आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि NH3 और PH3 दोनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, शेप सेम है, बट NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, PH3 का कम है, उसका रीजन समझाइए। तो आप आसानी से समझा सकते हैं। चलिए मैं दो को एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे NH3 है, ठीक है, ये PH3 है, मैं PH3 भी यहां लिख देता हूं ऐसे। लास्ट एग्जाम्पल जो SbS3 है, मैं उसको भी लिख देता हूं ऐसे। अब आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एन की तरफ आ गए, यहाँ भी सारे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन एन की तरफ आ गए, यहाँ भी सब एन की तरफ आ गए। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन एकदम फास्फोरस की तरफ नहीं आएंगे, बीच में आएंगे। एंटीमनी और बिस्मत की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से भी कम है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ आ गए। देखिए भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब NH3 में सारे इलेक्ट्रॉन N की तरफ आ गए तो सारे इलेक्ट्रॉन जब N की तरफ आ गए तो इनमें आपस में रिपल्सन होने लगेगा, ऐसे रिपल्सन होने लगेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह इकट्ठा हो गया। देखिए यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से यू हैव टू एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल एमंग H2O, H2S, H2SC और H2T। सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज, सब के सब बेंड शेप है। H2 ऑक्सीजन पर दो लोन पे, ये H2S। ये भी सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है कि H2O और H2S में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो आप कहेंगे भाई H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। H2O में बॉन्ड एंगल 104 degree 5 minute, जबकि H2S में बॉन्ड एंगल खाली 92 डिग्री ही होता है। H2O में बॉन्ड एंगल 104 degree 105 degree नहीं, क्योंकि दो लोन पेयर आ गए तो इसका भी बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर 104 degree 5 minute हो जाता है। अब आप देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा, अब आपको पता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरिन, ये H2T था, ऐसे मैं इसको भी ऐसे बना दूँ। अब यहाँ पे तो H ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन H की तरफ चले गए, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है तो सारे इलेक्ट्रॉन O की तरफ चले गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में आ गए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किस में ज़्यादा, तो आप कहेंगे H2O में ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन H2O में ज़्यादा तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो गया। सो नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। सो आज हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ अटैच्ड एटम, लेकिन ये सब का सब पूरा बेस्ड है VSEPR थ्योरी पर, जो कि हमने आपको शुरू में बताया। तो आज हम लोगों ने देखा कि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल का वेरिएशन कैसे होता है। अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है तो उसका शेप रेगुलर होगा, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है तो उस कंपाउंड का शेप डिस्टॉर्टेड होगा। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल का वेरिएशन कैसे होता है, उस कंपाउंड में डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल का शेप कैसे होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए, केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, गूगल प्ले स्टोर से साथ साथ आई स्टोर से भी, आईफोन पे भी मेरा ऐप अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। यू कैन फाइंड मास्टरी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।